सो फाइनली चैनल का पासवर्ड याद आ गया और 2 महीने के बाद आ गया लास्ट वीडियो प्रभास के आदिपुरुष पे बनाया था और अब भी प्रभास पे बना रहा हूँ बस सलार पे। तो आज सुबह सलार का टीजर आ चुका है जो काफ़ी अच्छा था और हाइप बनाने के लिए टीजर अपना काम करती है, लेकिन सबका एक डाउट है क्या ये मूवी KGF यूनिवर्स से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर हमें इसमें रॉकी भाई देखने को मिलेंगे या नहीं। तो सभी के आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो टीजर की स्टार्टिंग में हम कुछ अफ्रीकन माफियाज को देख सकते हैं जो टिनू आंसर की तरफ गन पॉइंट करते हैं, फिर वो सलार के बारे में बोलते हैं जिसको सुन के माफियाज की एकदम से फटने लगती है। पता नहीं क्यों मगर ये सीन मुझे KGF चैप्टर 1 के 2 सीन्स की याद दिला रहा है। सबसे पहले तो मोहन जिले जगह कैरेक्टर जो रॉकी भाई के बारे में बोल रहा होता है जब वो पब में अकेले गन रखे घुस जाता है, और दूसरा जब वो पब के अंदर के गुंडे रॉकी भाई के बारे में बात करते हैं तब उन्हें भी बहुत डर महसूस होता है। वैसे कुछ सीन यहाँ भी देखने को मिलता है। इसी दौरान हम कुछ गुंडों को भी देख सकते हैं जो श्योर सलार पे अटैक करने जा रहे होंगे, लेकिन ये जगह देख के थोड़ी सी KGF वाली वाइब आ रही है। और फिर हमें आर्मी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो हो सकता है कि प्रभास को यानी कि सलार को मारने जा रहे होंगे। फिर हमें सलार के एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने प्रभास के चेहरे को नहीं दिखाया, शायद आदिपुरुष के बाद रिस्क नहीं लेना चाहते, सॉरी मजा कर रहा था। लेकिन ये सीन्स बहुत ही ब्रूटल है KGF के एक्शन सीन्स की तरफ। फिर एंड में पृथ्वीराज सुकवन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बैडस होता है, और मुझे प्रशांत अनिल सर की एक बात अच्छी लगती है, वो विलन्स को काफी बैडस दिखाते हैं जिसको देख के लगता है हाँ यही है जो हीरो को बराबर का टक्कर दे सकता है। और इसके बाद हमें पता चलता है ये तो बस पार्ट 1 है और ये तो बस एक छोटी सी तबाही है, असली तबाही तो उसके नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या ये मूवी KGF से कनेक्टेड है और क्या इसमें हमें अपने रॉकी भाई देखने को मिल सकते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, देखो मूवी का कलर टोन भले ही KGF जैसा दिख रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे कनेक्टेड होगा। और इस पूरे टीजर में अगर तुम गन्स और आर्मी वालों को देखोगे तो वो काफी एडवांस्ड है जो KGF के टाइम पे नहीं था। लेकिन तुम्हें पता होगा इसमें प्रभास का डबल रोल है, एक बाप का और एक बेटे का, और बाप वाला कैरेक्टर की बड़ी मूछ है और बेटे के पास ट्रिम्ड किया गया दाढ़ी मूछ, और इस वाले टीजर में हमें उसके बेटे को दिखाया गया। इस वाले शॉट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रभास की दाढ़ी मूछ ट्रिम्ड है, जो कि मेरे नेक्स्ट थियोरी को पक्का कर देता है। अगर तुमने KGF चैप्टर 2 देखा होगा तो तुम्हें याद होगा जब फरमान को पहली बार दिखाया जाता है तब उसको एक आदमी बोलता है तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी गंवा दी, तो हो सकता है कि वो बाप कोई और नहीं बल्कि प्रभास हो। और अगर तुम्हें सलार की कास्ट देखी होगी तो तुम्हें पता होगा ये वाली औरत सलार की माँ होती है यानी प्रभास की वाइफ। और KGF चैप्टर 2 में हमें फरमान की बॉडी भी दिखाई नहीं गई थी, तो हो सकता है फरमान कभी मरा ही ना हो और रॉकी भाई ने उसको कहीं पर सेफ रखा हो, और इस तरह से ये KGF यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। और रही बात रॉकी भाई की तो हो सकता है वो इस मूवी में दिखे ही ना, या एक छोटे से कैमियो रोल में दिख सकते हैं, या उनका कोई रेफरेंस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या होगा वो तो मूवी आने पे ही पता चल जाएगा। तो यही तक थी ये वीडियो, अगर वीडियो के कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। तुम लोग क्या लगता है ये KGF से कनेक्टेड होगी या नहीं, ये टीजर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता देना। और एक वजह है कमेंट करने की, इतने टाइम से वीडियो नहीं डालना था तो रीच डाउन हो चुका है, तो वो रीच के लिए कमेंट कर देना। तो मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।